जय श्री राम दोस्तों, आज 15 सितंबर संडे के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और हमारे आज 5 किलोमीटर की जो जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और जो बाकी एक्सरसाइज है वो आप साथ करेंगे और पार्क को भी दिखाएंगे, तो आप हमारे से बने रहिए। ये देखिए प्रिय मित्रों, लालू महाराज आज अकेले हैं, दोनों साथी गायब हैं, तो आज हम जो बाकी और मिलेंगे ना हमें रास्ते में, उन सबको भी पिलाएंगे, क्योंकि इस पर सारा दूध पिया नहीं जाएगा। आज लगभग 2 किलो के आसपास दूध है, तो इस पर जो है ना पिया नहीं जाएगा सारा। पहले इसको छका देते हैं, फिर किसी दूसरे को पिलाएंगे। दूसरी जोड़ी हमारी कालू लालू की, आज हमारे पास इनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में है, तो जहाँ जहाँ हम मिलेंगे सबको पिलाएंगे। कालू लालू की जोड़ियाँ इकट्ठे रहते हैं यहाँ पर, यही इनका आवास है, यहीं रहते हैं, अपने क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देते। अरे गाड़ी के नीचे बैठी थी देखा करो जी, जिसको मिलना उसी को मिलेगा। हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते, उन्हें भी डॉगी मिलेंगे, उन्हें पिलाएंगे। मिली बेचारी मौसी अपनी, चलो आज मौसी जी की सेवा करते हैं। कितने प्यार से पी रही है। और मित्रों आसमान देखिए, ब्लू एंड वाइट, बहुत ही सुंदर लग रहा और इधर योगा वाले कंटिन्यू। और ये सर के डिप्स, सर जो है आज 50-50 के 3 सेट लेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर भाई। और दोस्तों ये पार्क का व्यू देखिए, और ये आज आपको दिखा रहे हैं हम गुलाब वाटिका। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको गुलाब ही गुलाब नज़र आएंगे। और आज संडे की गैदरिंग, सामने गीत संगीत का प्रोग्राम, भक्ति रस चल रहा है यहाँ पे। और ये संडे की यहाँ भी गैदरिंग देखिए आप, एक हुजूम लोगों का, बच्चों का, पूरा पार्क भरा हुआ है। और टाइम है सुबह 7 बजे का। ये देखिए आप, आपको लोग नज़र आएंगे, बच्चे ही बच्चे नज़र आएंगे चारों तरफ।
और ये 9 बजे तक ऐसे ही ग्राउंड फुल रहता है, बिल्कुल टोटली भरा हुआ। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ बहुत बढ़िया। कोई क्रिकेट है, कोई फुटबॉल वाला है, सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज। बहुत सुंदर, और इधर का व्यू देखिए आप, ये साथ में यहाँ भी क्रिकेट चल रही है। प्रिय मित्रों, आप सभी ने चंपारण का नाम सुना होगा, बिहार में ये, जहाँ से गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 को अपना पहला सत्याग्रह भारत में शुरू किया था, और उसका नाम चंपारण इसीलिए पड़ा कि वहाँ चंपा के बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ी संख्या में चंपा के पेड़ थे वहाँ पे। और देखिए यहाँ भी जैपनीज पार्क में जो आपको दिखा रहे हैं, ये सब चंपा का ही जंगल है पूरा। चंपा के पेड़ हैं, बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। जिधर भी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ उधर ही आपको चंपा के पेड़ दिखाई देंगे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और देखिए इन पर सफ़ेद रंग का फूल आता है, और फूल की जो सुगंध है इतनी मनमोहक होती है कि आपका मन मस्तिष्क एकदम पवित्र और ताज़ा हो जाएगा। सफ़ेद रंग का फूल होता है इसका, अभी छोटे छोटे हैं ये, किसी पे फूल हैं किसी पे नहीं है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है इसका फूल इस तरह का होता है चंपा का, ये देखिए। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है या सुगंध है, आप जब नज़दीक आओगे तभी आपको महसूस होगी। तो ये छोटा पेड़ है, अभी कमी इस पर फूल हैं। इधर देखिए सारे, ये जो पूरा है ये चंपारण है, यानी यदि आपको जैपनीज पार्क का चंपारण देखना है तो अवश्य आइए, मन प्रसन्न हो जाएगा उतनी हरियाली देख के। ये देखिए चंपा के अलावा और कोई पेड़ यहाँ पे है ही नहीं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। हरियाली देखिए इनकी, पत्ती इतनी तरोताज़ा हैं बारिश की वजह से कि मन देख के प्रसन्न हो जाता है इन्हें। ये जंगल देखिए, और ये देखिए जैसे चाय बागान होती है दार्जिलिंग में, आपको ऐसा फील होगा जैसे चाय बागान के उसमें आगे चाय का फूल चाय की पत्ती। और 8 बज गए अब, लेकिन अभी भी बच्चे डटे हुए हैं, गेम के प्रति इनकी लगन देखिए। सुबह 6 बजे देख रहा हूँ मैं, 2 घंटे हमें भी हो गए लेकिन डटे हुए हैं, कोई फुटबॉल में कोई क्रिकेट में। और आप धूप भी खिल गई है,
बना रखा। ये अपने प्रवीण राणा जी अपने मित्र हैं, ये नहीं माने आज, कह रहे भाई नहीं आना पड़ेगा, छुट्टी का दिन है तो एंजॉय करते हैं घर पे, यही नाश्ता वास्ता होगा राणा गार्डन में, राणा गार्डन में नाश्ता होगा आज। ये देखो कितना बढ़िया बना रखा है, देखो बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए। अरे ये ये देखो देखने देखने का मेहनत, पूरी मेहनत लगती है, बहुत सुंदर। ये देखो भाई और इधर इधर कितना सुंदर सजा रखा है। और दोस्तों ये आज आपको दिखा रहे हैं मैं बना राणा गार्डन, ये अपने मित्र हैं प्रवीण राणा जी और उनकी मैडम है अर्चना राणा, कितना बढ़िया बना रखा है देखो छत के ऊपर विद्या विहार में सेक्टर 9, बहुत सुंदर। यही जय कड़ी पत्ता है गुरु जी, धरो यही जैपनीज पार्क बना दिया पूरा, वो कड़ी पत्ता है। अच्छा दिख गया ना, ये कड़ी पत्ता है, ये वाला, ये वाला कड़ी पत्ता है। अच्छा सारे पेड़ जो है ना, ये बैजंती है ऊपर देखो, ये ग्वार पट्टा ऊपर बैजंती, ये बैजंती, ये तुलसी, अरे वेरी गुड। ये देखो ये चाय है गुरु जी, कौन सी सुगंधित चाय, कौन सी, ये वाली, ये हाँ चाय में डालते हैं इसे। अच्छा जी ये है लेमन ग्रास, हाँ क्या लेमन ग्रास, ग्रास चाय में डालते हैं इसे। अच्छा लेमन ग्रास, ये चंपा देखो, ये यहाँ भी चंपा आ गया देखो, चंपा के अभी वहाँ दिखा रहे थे आपको, यहाँ भी चंपा आ गया। इधर भिंडी देखो, भिंडी लग रही है, और ये देखो भिंडी लग रही है, ये देखो ये क्या बोलते हैं उसको, बगैर खाद का, हाँ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है नहीं इसमें, बिल्कुल अपना प्योर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भिंडी हैं। और साथ में देखो तोरी भी है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये लो तोरी लो, छोटी है अभी, छोटी है बड़ी भी होगी है भाई, चीज़ सारी मिलेंगी है। रबर प्लांट भी है सर, रबर प्लांट है, कौन सा है रबर प्लांट, अच्छा ये रबर प्लांट, वो कौन सा है सर, ये मैडम को पता होगा, इनको नहीं बता राणा जी को, उसी कार्रवाई है मैडम की। ये निरा पानी, ये कचरी बेल मत ना पानी देने का, ये निरा पानी देने का है, ये अगर कभी कचरी का मन कर जाए, ये भिंडी का है, ये भिंडी है, अच्छा ये भिंडी है, ये सर क्या है, ये अरंडी का है या पपीता है, नहीं ये भी भिंडी है, ये भिंडी है, अरबी भिंडी, भिंडी, अच्छा भिंडी, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भाई राणा जी। देखिए मित्रों आज हमारे मित्र हैं परम प्रिय मित्र प्रवीण राणा जी बैठे हुए हैं बराबर में, कई दिन से इनवाइट कर रहे थे घर पे आना है, घर पे आना है, मैडम ने ही बोला था एक बार पार्क में मिली थी घर पे आना है, और ऐसे लोग ना आज के टाइम में आपको कम मिलेंगे, क्योंकि कोई ना तो किसी के यहाँ जाना पसंद करता ना कोई खाना पसंद करता, आज कोई आपको बुला रहा है ना तो समझ लो सच में वो एक पवित्र आत्मा है हमारे बीच में। देखिए मैडम ने हलवा बनाया हमारे लिए, मैडम का धन्यवाद। और ये जो दूध है ये है गाय का, सर ने बताया कि हमने गांव से लगा लिया है, प्योर दूध है, तो आज हम भी जो मैडम ने तैयार किया है नाश्ता उसका आनंद लेते हैं। गुलिया जी बैठे हुए हैं, जय सियाराम मित्रों, आज है 15 सितंबर 2024। देखिए आज एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर दो भिखारी रहते थे, दोनों भिखारियों में एक अंधा था और एक लंगड़ा, दोनों मिलजुल कर भीख मांगते थे, अकेले मांग भी नहीं सकते थे, तो जो अंधा व्यक्ति है वो लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लेता और भीख मांगते, जीवन चल रहा था, शिव जी की भक्ति करते थे, ईश्वरी प्रसन्न था, लेकिन कई बार हम देखते हैं ना कि दूसरे की हम कमियाँ देखते हैं, उपयोगिता नहीं देखते, इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को ये लगने लगा कि ये मेरी वजह से चल रहा है, अंधे को लगने लगा कि मैं इसे कंधे पर नहीं बिठाऊंगा तो कैसे भीख मांगेगा, लंगड़े को लगने लगा कि मैं आवाज़ नहीं लगाऊंगा तो भीख कैसे मिलेगी, झगड़ा हो गया, ये झगड़ा हो गया तगड़ा, मार पिटाई तक हो गई, और मार पिटाई हो गई, दोनों हो गए अलग अलग, अलग अलग हो गए, काफ़ी दिन हो गए, तो भगवान भोलेनाथ को की नज़र पड़ी, वो भी बड़े दुखी हुए, यार मेरे भक्त हैं शांत भाव से रह रहे थे, अब देखिए झगड़ा हो गया, क्या किया जाए इनका भाई, काफ़ी दिन हो गए बोलचाल तक नहीं है, पार्वती जी पास बैठी थी, गणेश जी और कार्तिक उनकी गोद में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हे देवी इनका क्या किया जाए, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इनकी समस्या दूर की जाए और इनको धन दे दिया जाए ताकि ये आत्मनिर्भर हो जाएं और अपना आराम से जीवन
चर्या इनकी चलती रहे, दोनों ही परेशान है, लंगड़ा भी परेशान है, अंधा ही परेशान है, क्या किया जाए। पार्वती थोड़ी मुस्कुराई और बोली, ये आप गलत कर रहे हो। देखिए महिलाएं बहुत शानदार सलाहकार होती हैं, इसलिए घर में जो भी महिलाएं उनकी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बोले जी आप गलत कर रहे हो, आप यदि इन्हें धन दे दोगे या पैसा दे दोगे तो ये प्रकृति के खिलाफ भी है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा कि कर्म प्रधान है, ये कर्म प्रधान के खिलाफ भी है। आप इन्हें काम से विमुख कर दोगे, कर्म से विमुख कर दोगे, या तो फिर क्या किया जाए कि भाई साधारण सी बात है, अंधे को आंख दे दो, लंगड़े को टांग दे दो, समस्या हल हो जाएंगी, अपना काम करेंगे, कर्म करेंगे, पेट भरेंगे, ये सबसे बढ़िया रहेगा। बोले यार बात तो ठीक कह रही हो। फिर उन्होंने एक बात और कही कि एक बात का, एक प्रश्न का और मेरा जवाब दे दीजिए कि भाई दुनिया भर के जो मेरे भक्त हैं वो एक जरूर समस्या उठाते हैं कि भाई ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये माँ अपनी माताओं की सुनते हैं, पिता की नहीं सुनते। जो भी समस्या है माँ के साथ शेयर करेंगे, पिता के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये क्या कारण है। अभी भी आप देखिए, दोनों बच्चे आपकी गोदों में बैठे हैं, मेरे पास कभी आते ही नहीं, बुलाता हूँ तब कभी कभार आते हैं, और आपकी दोनों गोद भरी हुई हैं, दोनों तरफ बैठे हुए हैं दोनों बेटे। पार्वती जी फिर मुस्कुराई और कहा कि देखिए, जो माता का प्रेम होता है ना, उसमें ममता समाई होती है, और ममता समर्पित हो जाती है पूरी तरीके से, वो कोई डिमांड नहीं करती, वो मांग नहीं करती, वो सिर्फ देना जानती है। पिता का जो वात्सल्य है उसमें थोड़ा अहंकार होता है, पिता कुछ चाहता है करने के बदले, कुछ चाहता है कि भाई बच्चे ना जो मैंने किया है वो उनके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मैंने किया है। ये जो आशंका है यही वो आशंका है जो बच्चों को पिता से थोड़ी दूर करती है और माता के थोड़े नजदीक करती है। बोले ठीक है जी, अब हमारे दोनों प्रश्नों का समाधान हो गया, लेकिन मेरी अभी भी एक शंका है कि दोनों भक्तों की एक बार इच्छा जान लेता हूँ। भाई ये तो ठीक है, आपने सही कहा कि लंगड़े को टांग दे देता हूँ, अंधे को आंख दे देता हूँ, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, लेकिन एक बार भक्तों की इच्छा जान लेता हूँ। भगवान ने एक साधु का रूप रखा, पहले वो अंधे के पास गए, बोले बेटा अपनी इच्छा बताइए, आप क्या चाहते हो। अंधा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला जी ये जो मेरा साथी है ना लंगड़ा, इसे भी अंधा कर दो। वो बड़े दुखी हुए, लेकिन क्योंकि वादा कर चुके थे, अब भक्त की इच्छा है, तो उन्होंने जो लंगड़ा था वो अंधा हो गया। भाई अब वो लंगड़े के पास गए जो अंधा हो चुका था, बोले बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। कह जी ये जो अंधा है ना मेरा साथी, इसे लंगड़ा कर दो। अब बड़ी समस्या, भगवान बड़ी दुविधा में। देखिए ये है तो एक कहानी, लेकिन इससे हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि जब भी बदले की भावना हमारे अंदर आ जाएगी ना, बदले का भाव जब भी हमारे अंदर आ जाएगा तब तो विनाश होगा, और जब जब सहकार की भावना आ जाएगी, सहयोग की भावना आ जाएगी, तब तक निर्माण होगा। इसीलिए कहा भी गया है कि जिस दिमाग में बदले की भावना होती है वो एक कमजोर दिमाग है, और जिस दिमाग में सहयोग की भावना होती है वो एक शक्तिशाली दिमाग है। तो बदले की भावना मत रखिए, सबका भला सोचिए, अच्छा सोचिए, हमारे साथ बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।